आपका मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास कमले पाटिल। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ द्वारा बहुत से सब्जेक्ट्स की एग्जाम चालू हो गई है और एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो रही है। तो ऑनलाइन मोड में बहुत से बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही है जो कि PRN नंबर से रिलेटेड है। बहुत से बच्चों का PRN रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इनवैलिड दिखा रहा है, तो उसके लिए बाबू ने एक नई अपडेट भेजी है जिसमें आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है, रेड कलर में दिख रहा है, इफ यू रिसीव PRN मिसिंग और इनवैलिड एरर ड्यूरिंग लॉगिन प्लीज फिल दिस फॉर्म PRN मिसिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है लिंक मिसिंग PRN रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करके आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक नया फॉर्म ओपन होता है और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसको फिल करना पड़ता है जैसा इसका नाम मिसिंग PRN रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको आपका फुल नेम, यहाँ पे जो भी आपके पास PRN नंबर है आपका वो, और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यूनिवर्सिटी में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, वो रजिस्टर्ड मोबाइल यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे ध्यान देना YYMMDD फॉर्मेट में जो टेस्ट देते हैं हम, वो DDMMYY फॉर्मेट में होता है, तो ये ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ ना करना। फिर यहाँ से आपका जो एक्टिव टेस्ट पे क्लिक करके आप टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका टेस्ट यहाँ पे, यहाँ से आपने फैकल्टी सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपको क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये देख के आप बहुत से बच्चों को मतलब परेशान हो जाते हैं कि इसमें से अपना कोर्स कौन सा है। तो यहाँ से आप क्या करो, सिंपली यहाँ से आप फैकल्टी सेलेक्ट करो। ठीक है, जैसा मैंने इंटरडिसिप्लिनरी सेलेक्ट किया, ठीक है, तो क्या हो गया, सिर्फ उतने फैकल्टी से रिलेटेड कोर्स आएंगे, है ना। फिर उसके बाद और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रोग्राम में जाके आपको फिर डायरेक्ट आपका जो कोर्स है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया BEd सेकंड ईयर। ठीक है, तो सिर्फ उससे रिलेटेड उस दिन का पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से भी आपको फिर जो है आपका वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो सेलेक्ट। ठीक है, जैसा सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर PRN पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो PRN नंबर जो इनवैलिड दिख रहा था वो रजिस्टर हो जाएगा और आपकी टेस्ट चालू हो सकती है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, बहुत से लोगों को कुछ दिक्कत होती है, एरर आती है, तो उसके टाइम पे नीड सपोर्ट में आप जाते हो, लेकिन लास्ट में क्या होता है, नीड सपोर्ट आपको बोलता है कि कॉन्टैक्ट IIT कोऑर्डिनेटर। तो इसलिए बाबू ने क्या किया, अभी रिसेंट अपडेट किया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ IIT कोऑर्डिनेटर्स, यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट डाली उन्होंने, एक गूगल ड्राइव की लिंक दी है। तो इस लिंक को आपको क्या करना है, सिंपली इस लिंक को आपको कॉपी करना है और नई टैब में ओपन करना है। तो जैसे आपने ओपन किया तो देखो यहाँ पे एक PDF है IIT कोऑर्डिनेटर की, आप या तो डायरेक्ट देख सकते हो या डाउनलोड करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लेना आप, और इसमें क्या है, आप अपना कॉलेज और अपने कॉलेज का कोऑर्डिनेटर सर्च कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये लिस्ट दिख रही है, देखो आप क्लियर हो गई है, दिख रहा है। जैसे आप यहाँ से अपने कॉलेज का सर्च कर सकते हो, अगर आपके कॉलेज का ना मिले तो आपके आसपास के कॉलेज का जो भी आपके पहचान के आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपके सिटी का। जैसा देखो, जैसा यहाँ पे दिख रहा है VSS कॉलेज जालना रोहित पिपरिया सर, तो इस तरीके से जो भी कॉलेज के कोऑर्डिनेटर है आप देख सकते हो और उनसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो यही थी अपडेट, होप इसका आपको फायदा होगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है लॉगिन से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगे। और सबको अगले पेपर के लिए बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।